रहमान रहीम, तनवीर हुसैन, फ्रांसीसी यू सेकेंडरी स्कूल कोटा 2, क्लास 6 मैथ। आज हम चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी फॉलोइंग रेशोज इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इन नंबर्स को रेशो में लिखना है, फिर उसको सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 105 एंड RS 150, इन दो के दरमियान रेशो लिखनी है, 105 रेशो 150। अब ये हमने इनको रेशो फॉर्म में लिख लिया है, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो ये दोनों 5 के ऊपर डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड बाई 5, इनको 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 5 टू आर 10, 5 वन आर 5 रेशो, 5 थ्री आर 15, 5 जीरो आर 0। फिर ये 3 के ऊपर डिविजिबल है, डिवाइडेड बाई 3, 3 के ऊपर डिवाइड करें, 3 7 आर 21, 3 10 आर 30। तो ये इसकी 105 और 150 की रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है, 7:10। क्वेश्चन नंबर 2 है, 35 मीटर एंड 119 मीटर, इनको हमने रेशो में लिखना है, फिर उसको सिंपलीफाई करना है। तो ये 35 रेशो 119, अब ये 7 के ऊपर डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 7, 7 5 आर 35 रेशो, 7 1 आर 7, 4 आगे चला जाएगा, ये 49 बन जाएगा, 7 7 आर 49। अब मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं होते, ये इसका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है 5:17। पार्ट थर्ड है, 0.76 मीटर एंड 1.9 मीटर, इनको सिंपलीफाई में करना है। पहले इनको रेशो में लिखते हैं, 0.76 रेशो 1.9। सबसे पहले इनका पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये बनेगा 76/100 रेशो 19/10। डिनोमिनेटर ख़त्म करें, इन 10 और 100 का एलसीएम 100 आता है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करें, 76/100 मल्टीप्लाई बाई 100 रेशो 19/10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 76 रेशो 0 से 0 कैंसिल 190। अब ये डिवाइडेड बाई 19 होता है, डिवाइडेड बाय 19, 19 4 जार 76 रेशो 19 1 जार, फिर डिवाइडेड बाय 2 आता है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, 2:5। पार्ट 4 है, 26 लीटर्स एंड 39 लीटर्स, इन दो के दरमियान रेशो लिखनी है, 26:39। अब ये दोनों 13 के ऊपर डिविजिबल हैं, तो डिवाइड बाय 13, 13 टू आर 26, 13 थ्री आर 39। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, 2:3। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ 150 एग्स इन ए बास्केट 25 एग्स वर रोटन, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब देखें, आउट ऑफ 150 टोटल एग्स 150 हैं, उनमें से 25 रोटन हैं, ख़राब एग्स हैं, तो गुड एग्स वो पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम उसमें पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड फाइंड करेंगे। टोटल एग्स इसका सोल्यूशन लिखते हैं, टोटल एग्स इज इक्वल टू 150, रोटन एग्स कितने हैं, ट्वेंटी फाइव, गुड एग्स कितने होंगे, टोटल में से रोटन माइनस कर दें तो हमारे पास गुड एग्स आ जाएंगे, 150-25 इज इक्वल टू 125, गुड एग्स आ गए हैं हमारे पास 125। अब हमने ये 3 पार्ट सॉल्व करने, इनमें रेशो फाइंड करने। नंबर 1 पहला पार्ट है इसमें, रोटन एग्स टू द गुड एग्स, फर्स्ट पार्ट किन दो के दरमियान रेशो है, रोटन एग्स रेशो गुड एग्स, रोटन एग्स कितने हैं 25, रेशो गुड एग्स कितने हैं 125। अब इन दो के दरमियान रेशियो आ गए, इनको सिंपलीफाई करना है, ये डिवाइडेड बाय 5 होते हैं, डिवाइडेड बाय 5, 5 5 इज 25, 5 2 इज 10, 5 5 इज,
फिर डिवाइडेड बाई 5 होते हैं, 5 1 5 5 5 25। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1:5। पार्ट सेकंड है रोटन एग्ज टू द टोटल एग्ज, इन दो के दरमियान हमने रेशियो फाइंड करनी है। रोटन एग्ज रेशियो टोटल एग्ज, रोटन एग्ज कितने 25, रेशियो टोटल कितने हैं 150। अब इनको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई डिवाइडेड बाय 5 होते हैं दोनों, डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 5 0 ज़ार 0। फिर दोनों 5 के ऊपर डिविजिबल हैं, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30। तो ये रोटन एग्स रेशियो टोटल एग्स के दरमियान सिंपलेस्ट फॉर्म बन गए 1:6। इसका पार्ट थर्ड है गुड एग्स टू द टोटल एग्स, रेशियो फाइंड करनी है गुड एग्स रेशियो टोटल एग्स। गुड एग्स कितने 125, रेशियो टोटल कितने हमारे पास 150। ये डिवाइडेड बाई 5 होते हैं, दोनों 5 के ऊपर डिविजिबल हैं, डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15। फिर डिवाइडेड बाई 5 होते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। तो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ 75 पैसेंजर्स इन ए बस 35 आर मेल्स आर एंड 30 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, फाइंड द रेशो। अब देखें टोटल पैसेंजर्स हैं 75, उनमें से मेल 35 हैं और फीमेल 30 हैं, तो बाकी हमने चिल्ड्रन फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, टोटल पैसेंजर इज इक्वल टू 75, मेल पैसेंजर इज इक्वल टू 35, फीमेल इज इक्वल टू 30, चिल्ड्रन 75 माइनस, इनको प्लस करें 30 प्लस 35, 65 यानी 10। चिल्ड्रन कितने हैं इसमें, अब हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है, तीनों क्वांटिटीज हमने राइट कर लिए। नंबर 1 रेशियो फाइंड करनी है मेल पैसेंजर टू द टोटल पैसेंजर, मेल पैसेंजर रेशियो टोटल पैसेंजर। अब मेल पैसेंजर कितने हैं हमारे पास 35, रेशो टोटल पैसेंजर कितने हैं 75। अब ये 5 के ऊपर डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 5, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 15। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 7:15 है। सेकंड पार्ट है इसका फीमेल पैसेंजर टू द मेल पैसेंजर, हमने रेशियो फाइंड करनी है फीमेल रेशियो मेल पैसेंजर। फीमेल कितने हैं हमारे पास 30, मेल कितने हैं 35। अब ये दोनों 5 के ऊपर डिविजिबल हैं, डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35। ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है इसका चिल्ड्रन टू द टोटल पैसेंजर, चिल्ड्रन रेशियो टोटल पैसेंजर। चिल्ड्रन इसमें 10, टोटल कितने 75, डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 15, 25। तो 2:15 ये इनके दरमियान सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हल किए हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह।